नमस्कार बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन छोटोरा आलोबासा। कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के अनेक क्षेत्रों में तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। संपूर्ण बांग्ला बोलचे आभार। एक बार G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी, मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड तेजी से काम चल रहा है। सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हालात ये है कि हर मामले में यहाँ कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहाँ हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूँ, तुझे 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी।